हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं ना अच्छा खासा यहाँ रूम में बैठ के रूम हीटर चला के एडिटिंग कर रहा था, लेकिन ना अभी अभी पता नहीं ये अपना रूम हीटर है, चलते चलते ना इसकी ऊपर वाली रॉड खराब हो गई। पता नहीं भाई कैसे हो गई, और अभी ना इसकी ओरिजिनल रॉड मिल नहीं रही है, और लोकल रॉड अब मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि इस रॉड को लगा के ना मैं तीन चार लोकल रोड डाल चुका हूँ और वो दो चार दिन में खराब हो जाती है। तो मेरा जो दोस्त है गौरव, उससे मैंने कहकर ओरिजिनल रोड मंगवा ली है, तो जब ओरिजिनल रोड आ जाएगी तब डालूंगा। और अभी ना हमारे यहाँ 8-9 दिन हो गए हैं, इतनी खतरनाक वाली ठंड हो रही है ना, मतलब हड्डी गला देने वाली। भाई कम से कम 8-9 दिन हो गए, 8-9 दिन से ना सूरज बिल्कुल नहीं निकला है, धूप बिल्कुल दिखी नहीं है, बस बीच बीच में एक या दो बार थोड़ी बहुत 1-2 घंटे के लिए धूप आई है, बाकी धूप नहीं आई है। तो बहुत तगड़ी वाली ठंड हो रही है, और आज ना 2-3 दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ यार। बाहर निकल के देखता हूँ, अगर हिम्मत हुई तो घूमने चला जाऊंगा, क्योंकि ठंड तो हो रही है। और जो अपना ट्रिप था ना वो भी हमने थोड़ा डिले कर दिया है, अब हम उसमें 10 तारीख के बाद जाएंगे, क्योंकि स्नोफॉल बहुत हल्की हो रही है। हम स्पेशल स्नोफॉल देखने ही जा रहे थे, और फिर थोड़ी बहुत स्नोफॉल होगी तो जाकर करेंगे क्या। तो वहाँ के जो अपने होटल वाले हैं उनसे अपना कांटेक्ट होते रह रहा है, तो वो बोल रहे हैं 8-10 दिन के बाद आना, अच्छी स्नोफॉल मिलेगी तगड़ी वाली। तो चलो अभी फटाफट ना मैं तैयार होता हूँ और बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो कुछ इस तरह हो रखा है मौसम, देखो भाई पूरा ठंडा हो रखा है, कोहरा लगा हुआ है। और इधर अपने सूर्य देवता कहाँ गए भाई, कहाँ गए? ये देखो थोड़े से दिख रहे हैं बस, बाकी चलो अपने कवच पहन लेते हैं यार, पता लगे बर्फ बन जाए। तो अपने तो फुल गर्म कैप लगा रखी है, मुंह में मफलर लगा रखा है, और अपने ग्लव्स। तो अब निकलते हैं आगे के लिए। अभी ना यार बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने ना डबल जैकेट डाल ली है, बाकी आरुण भाई गए उधर सामान लेने, अभी मार्केट घूम रहे थे, फिर हमने कहा थोड़ा काम कर लेते हैं, काम भी बहुत ज़रूरी है, तो काम करते हैं उसका फिर जाएंगे मार्केट में। वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा था सुबह सुबह, लेकिन ज़्यादा दुकान ओपन हुई नहीं है अभी। हमें ना चाहिए था ट्रैकिंग लोवर, तो यार वहाँ पर हमने देखे थे जो अपने को चाहिए ना ट्रैकिंग के लिए, वो अभी मिल नहीं रहे हैं। वैसे मिल रहे हैं, वैसे वाले लोवर तो अपने पास है, क्योंकि मैंने राइड में निकलना है यार, तो मुझे चाहिए ट्रैकिंग के 2 लोवर, क्योंकि जींस में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है यार, बाइक चलाते हुए राइड करते हुए ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। मुझे चाहिए ना गर्म हो, और जैसा कि उसमें हवा पार ना हो, ऐसे लोवर चाहिए राइडिंग के लिए स्पेशल। और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, पहले तो मेरी प्लानिंग हो रही थी बाइक चलूँ, मैंने अचानक से आनंद को कॉल करी, तो आनंद बोल रहा है मैं कार लेके आ रहा हूँ, जीप लेके चलते हैं, अपने काम भी हो जाएंगे। तो अब निकल रहे हैं हम लोग, ये सामान लेना था, यह पुट्टी का कट्टा, वो कलर वहाँ से बनवाया था मशीन से। चले आनंद भाई। भी आया था घर, और मुझे फिर बातपुर जाना है ये वाली पावर बैंक लेके ना, ये थोड़ी खराब हो गई है और मुझे ट्रिप में चाहिए ये वाली यार, क्योंकि ये वाली पावर बैंक नहीं हुई ना तो अपने इक्विपमेंट चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो अभी फटाफट मैं आनंद के पास जा रहा हूँ, आनंद के साथ मुझे फिर बातपुर जाना है, क्योंकि आनंद का भी काम है और मेरा भी थोड़ा बैंक का काम है, तो बैंक का काम भी हो जाएगा और ये पावर बैंक ठीक हो जाएगी। तो जो अपनी पावर बैंक है ना ये बिल्कुल ठीक हो गई है और अब प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, अब मेरा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा इससे। और जो अपनी सबसे ज़्यादा दिक्कत थी ना गोप्रो की बैटरी, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ लाइट का भी कनेक्शन का पता नहीं, और जब स्नोफॉल होती है तो वैसे ही लाइट बहुत कम रहती है, और क्या पता हमें कौन सा होटल मिले वहाँ पर लाइट मिले या ना मिले, तो हमारी जो गोप्रो की बैटरी वो भी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि ना अगर गोप्रो की बैटरी या मोबाइल की बैटरी नहीं होगी ना पूरा ट्रिप बेकार जाएगा यार, क्योंकि कुछ फुटेज हम शूट कर नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो है हमारी इक्विपमेंट चार्ज होने, तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो अब चार्ज जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो पावर बैंक है ये है 20,000 mAh की, तो इससे मेरा जो गोप्रो की बैटरी ना वो 7 से 8 बार चार्ज हो जाती है, और मेरा मोबाइल तो एक ही बार चार्ज होना है। और जो अपने दोस्त हैं विपिन,
उससे भी मुझे एक पावर बैंक मिल गई है और एक पावर बैंक है मुक्कू के पास। तो अपने पास टोटल 3 पावर बैंक है, तो अपने जो काम अच्छे से चल जाएंगे। अगर हमें एक दिन पूरे दिन ना लाइट भी नहीं मिलेगी तब भी हमारे इक्विपमेंट चार्ज हो जाएंगे। तो ठीक है, बाकी अपने ट्रिप की सारी तैयारी हो गई है, तो इस वीडियो को एंड में ही कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।